आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब, कूलीज ट्यूब। एक्सरे ट्यूब को ही कूलीज ट्यूब के नाम से जाना जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न आप ख़त्म कर दीजिए कि कूलीज ट्यूब क्या है और एक्सरे ट्यूब क्या है। कूलीज ट्यूब ही एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने किया था। तो आप सभी को लगभग पता है, सर डब्ल्यू सी रंजन साहब ने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो एक्सरे जिस इक्विपमेंट से बनता है, एक्सरे जिस इक्विपमेंट से जनरेट होता है, उसी को हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब, ठीक। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरे ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग लगभग आपको एक्सरे ट्यूब के बारे में, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें सारी चीज़ें हैं, ब्रीफली हम आपको समझा पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कैथोड लेते हैं, ठीक। एक्सरे ट्यूब का ये इक्विपमेंट कैसे होता है ये आप देख लीजिए। कैथोड निगेटिवली चार्ज का होता है और एक तरफ एनोड होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक। कैथोड को हम थोड़ा एनर्जी देके, चाहे वो गर्म करके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, उसमें देके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके, इसको हम पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो इससे ये गर्म जब होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल, अगर वो हीट उसे मिले, अगर उसको हम हीट करें, चाहे जिस फॉर्म में, चाहे हम उसको गर्म करें इलेक्ट्रिक करंट देके या वैसे गर्म करें, तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक। आपने सुना होगा घर में जो कूलर, वो सॉरी क्या उसको कहते हैं, हीटर जो होता है, वो ऐसे होता ना, क्वाइल्ड होता है, टंगस्टन का बना होता था, तो उसको जब गर्म करते तो आग निकलता है उसमें। तो वही टंगस्टन का कैथोड हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो ये कैथोड होता है वो एक्चुअली में होता है टंगस्टन का। टंगस्टन कैथोड जो होता है, इसको जब हम हीट करेंगे, टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन को जब हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इससे, ठीक। टंगस्टन की एक खासियत होती है, टंगस्टन के बारे में जान लें, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी हाई होता है, एटॉमिक नंबर भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, हाई होती है, ठीक है। तो ये कैथोड हुआ, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड। एनोड जो होता है वो ये कॉपर का होता है, ठीक है, और इसके आगे टारगेट मेटल लगा होता है, ठीक है। ये टारगेट मेटल जो होता है ये होता है आपका टंगस्टन का। तो टंगस्टन आपका दो बार आया, ठीक है, कैथोड में भी टंगस्टन, ये फिलामेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है, फिलामेंट देखिए क्वाइल्ड है, और एनोड का जो टंगस्टन है वैसे एक मेटल लगा हुआ है, टारगेट मेटल के नाम से इसे हम कहते हैं, इसी को हम टारगेट मेटल बोलते हैं, ये टारगेट मेटल है, ठीक। अब हुआ क्या था, जब हम कैथोड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था थर्मियोनिक एमिशन, कोई भी मेटल जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब किसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मेटल पे आके टकराए, वो भी खूब हाई काइनेटिक एनर्जी से अगर टकराए इस पे, तो यहाँ से फोटॉन रिलीज होंगे, उन्हीं फोटॉन्स को हम एक्सरे कहेंगे। ये होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन तेज गति से कैसे आएंगे, उसके लिए हम यहाँ हाई वोल्टेज दे देंगे। हाई वोल्टेज से दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर आएगा, ठीक है। तो उसी तरह हाल यहाँ पे भी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन इधर चाहते हैं तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो इधर से इधर होना चाहिए, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इधर रहेगा तो उसके अपोजिट साइड में और खूब तेज काइनेटिक एनर्जी से आके इस पे लड़ेंगे, ठीक। और जैसे ही इस पे लड़ेंगे टारगेट मेटल पे, बस तुरंत यहां से फोटॉन रिलीज होगा और दीज फोटॉन्स आर कॉल्ड एक्सरेज। समझ में आई बात? तो कैथोड को सबसे पहले हम हीट करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन इसमें हो, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है, जब इसमें हाई वोल्टेज देंगे
हाई वोल्टेज से दोनों को जोड़ देंगे तो खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लड़ेंगे और टारगेट मेटल से एक्सरे जनरेट होगा। अब एक्सरे तो जनरेट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे आप इमेजिन करिए, अगर यहाँ एयर के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में एयर के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन खूब तेज़ी से आ रहे थे वो इस उतनी तेज़ी से नहीं आ पाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, आएंगे इधर मुड़ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे आएगा इससे टकरा के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में स्कैटर्ड होने लगेंगे, तो उतनी तेज़ी से यहाँ आएंगे नहीं, जितनी मात्रा में एक्सरे निकाला था वो भी नहीं निकलेगा। तो ऐसा कुछ किया जाए कि इस इक्विपमेंट को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि इसमें एयर ना हो, वैक्यूम बन जाए। तो इसीलिए जो एक्सरे ट्यूब होता है वो आपने सुना होगा कि वैक्यूम होता है, क्या होता है, वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब में एक्सरे ट्यूब होता है, ठीक है। अब समझ में आया, ये इतना खुला है एक्सरे निकलने के लिए, थोड़ा हल्का लेयर होता है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो ट्यूब है ये वैक्यूम ट्यूब है, कैसा ट्यूब है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सरे ट्यूब कैसा होता है, तो वैक्यूम ट्यूब होता है, कैसा ट्यूब होता है, वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर एकदम एब्सेंट है। अच्छा, एयर अगर रहेगा तो क्या होगा, उतने अच्छे से एक्सरे जनरेट नहीं होंगे। तो ये बात समझ में आया एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे ट्यूब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एक्सरे ट्यूब को ही कूलिज ट्यूब के नाम से जाना जा सकता है। सर डब्ल्यू सी रंजन साहब ने 1895 में एक्सरे का डिस्कवरी किया था। ये एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक सिरे पे कैथोड लगा होता है, एक सिरे पे एनोड लगा होता है। एनोड कॉपर का होता है जिसमें एक टारगेट मेटल लगा होता है टंगस्टन का, और जो कैथोड को होता है वो फिलामेंट ऑफ टंगस्टन रहता है। तो इधर भी टंगस्टन, इधर भी टंगस्टन। टंगस्टन क्यों लिए थे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बार बार निकालेंगे, गर्म करेंगे तो ख़राब होने के चांस रहता है, पिघलने के चांस रहता है। अगर हम लोहा ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, तो पिघल जाएगा जल्दी। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग होता है 3400 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 74 इसका एटॉमिक नंबर होता है, दोनों चीज़ें हाई है, तो ये जल्दी पिघलेगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन खूब तेज़ी से आएंगे, लड़ेंगे, तो इधर भी पिघलने का चांस रहेगा। अगर टारगेट मेटल हम लोहा ले लें तब भी नहीं हो पाएगा, वो पिघल जाएगा, एक भी दिन नहीं चलेगा हमारा एक्सरे मशीन। अब ऐसे क्या है, टंगस्टन लिए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इसका हाई है, तो उतना जल्दी ये पिघलेगा नहीं और अच्छे से एक्सरे जनरेट करेगा, 10-12 साल तक जनरेट करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एनोड होता है, एनोड के पीछे एक और ट्यूब लगी होती है, एक उसका नाम है कूलिंग ट्यूब, कूलीज नहीं, कूलिंग, ये ठंडा से आया है, कूलिंग ट्यूब। ये कूलिंग ट्यूब क्या करता है, ये जो एनोड है इसको ये ठंडा किए रहता है, इसमें वाटर भरा होता है। अब ठंडा करने का सेंस ये है कि अगर एनोड बार बार इस पे इलेक्ट्रॉन पे आएंगे एनोड पे, तो एनोड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा, ठीक है, टंगस्टन का बना है, मजबूत है, आज नहीं, दो चार साल नहीं, 10 साल में पिघलेगा। तो अब ये 10 साल में अगर पिघलेगा, अगर हम इसमें कूलिंग ट्यूब लगा दिए, तो ये हो सकता है 12-13-14 साल तक ये चल जाए, तो इसलिए यहाँ कूलिंग ट्यूब लगा देते हैं, तो उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एक्सरे ट्यूब का। एक लास्ट चीज़ है, कैथोड में एक ट्यूब वो लगा होता है, तो ये जो कैथोड होता है इस पर एक फोकसिंग ट्यूब लगा होता है, ठीक है, इसका काम हम बताएंगे क्या होता है। ये मॉलीबेडनम का होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, मॉलीबेडनम का होता है, ये भी एक तरह का एलिमेंट है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको एक डायरेक्शन पे फोकस करता है, ठीक, एक डायरेक्शन में, इधर उधर स्कैटर नहीं होने देता है। तो इससे ये फायदा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस पे लड़ रहे हैं, वो क्या होंगे, सीधे इसी पे आके टारगेट मेटल पे लड़ेंगे और फोटॉन जनरेट करेंगे। फोटॉन का सेंस ये है कि एक्सरे जनरेट करेंगे, ठीक है, तो ये फोटॉन जनरेट करेंगे, एक्सरे इस तरह प्रोड्यूस होता है। और ये जो ट्यूब होता है ये वैक्यूम का होता है, एयर एब्सेंट होता है, ठीक है, इसी को हम कूलिज ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टारगेट मेटल होता है टंगस्टन, एक बार इसके बारे में और जान लें, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, एटॉमिक नंबर इसका हाई होता है, इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी पिघले ना, ये इसका सबसे बड़ा खासियत है टंगस्टन का, वो जल्दी पिघलता नहीं है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये जो हमारा ग्लास होता है, ये जो ट्यूब जिसको हम कहते हैं कि वैक्यूम ट्यूब होता है, इसमें एयर नहीं होता, ये जो ग्लास बना होता है ये पायरेक्स ग्लास इसको कहते हैं, पायरेक्स ग्लास के नाम से जाना जाता है। इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ये छोटा, ये कांच नहीं है जिससे हम लोग चेहरा देख लेते हैं,
वो तुरंत टूट जाएगा, पिघल जाएगा। ये पायरेक्स ग्लास बहुत मजबूत होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो उससे ये ख़राब नहीं होता है, कई साल तक ये चलता रहता है। तो ये पूरा चीज़ एक डिटेल में आपको मैंने बता दिया। एक्सरे ट्यूब एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, एक्सरे ट्यूब कूलिज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। सर डब्ल्यू सी रंजन साहब ने 1895 में इसकी डिस्कवरी किया। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, फोकसिंग ट्यूब जिससे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे केंद्रित होकर इस पे गिरे टारगेट मेटल पे और एक्सरे जनरेट करें। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरे ट्यूब।